for Kirti. What are your skills? Photoshop and petting cats. And what are your preferences? भाभी. क्या? Indian भाभी. अरे पॉन का प्रेफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, कंपनी का प्रेफरेंस पूछ रहा हूँ. ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप बोलोगे तो पहले. हाँ, ये आजकल के बच्चे. अच्छा बताओ, इससे पहले और कहीं काम किया है? हाँ किया है ना, वर्क्स एट हमारा नाम किशोर लाल है और बाप हमारा माला माल है. अगर तुम ऑलरेडी एक कॉलेज स्टूडेंट हो या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, यू मस्ट बी फेमिलियर टू दिस टर्म इंटर्नशिप. हाँ मुझे पता है, तुम में से अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, हैं ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ. चल चल मैं बताता हूँ क्या होता है. इंटर्नशिप बेसिकली कॉलेज फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, जहाँ उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कोई छोटा सा पोस्ट या एज एन इंटर्न हायर किया जाता है, फॉर दैट स्टूडेंट टू गेन सम एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड. तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि हाउ दिस कंपनीज डोंट गिव अ शिट अबाउट यू इफ यू डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस. आई नो अभी कुछ क्लास 9-10 के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे और ये सारी बातें उनके दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी. सी आई डोंट ब्लेम यू. ओके क्लास 9-10 पे मैं भी ऐसा ही था. तुम लोग अभी जैसा रोना धोना करते हो ना, मेरा साइंस का सिलेबस कितना बड़ा है. आई थिंक यू शुड नो यू आर लिविंग द मोस्ट कम्फर्टेबल एंड द ईजी लाइफ राइट नाउ, क्योंकि आगे जाके बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे. मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ और सच कड़वा होता है. So this video is completely based upon my experience and obviously मैं किसी इंसान या कंपनी का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में. तुम लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी होता है नहीं हर वीडियो में, यार इसका एड्रेस दे दे यार, इसका प्रोफाइल लिंक दे दे यार. कल को किसी ने मेरे नाम पे कंप्लेन कर दिया कि यार ये बंदा बिना हमारे कंसेंट के हमारे ऊपर वीडियो बना रहा है, हमारा नाम बदनाम कर रहा है, तो केस मैं खाऊंगा. ठीक है, तब तुम लोगों में से कोई बचाने नहीं आएगा मुझे. एनीवे, तो किसी किसी कॉलेजेस में कॉलेज अथॉरिटीज वाले खुद ही दे देते हैं हमको इंटर्नशिप्स, और किसी किसी कॉलेज में हमको खुद से ढूंढना पड़ता है. एंड बिफोर द सेमेस्टर्स वी जस्ट हैव टू शो देम द सर्टिफिकेट. और हमारा कॉलेज जो है वो ऑब्वियसली सेकंड कैटेगरी का है, तो मुझे खुद से ढूंढना था मेरे लायक कुछ. ओके नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन इंटर्नशिप, देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट दैट्स नॉट द बिग डील. असली दिक्कत आती है व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म. दीज टाइप ऑफ फॉर्म्स आर ऑलमोस्ट लाइक ए नार्को टेस्ट, आस्किंग यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस. एंड द बेस्ट पार्ट कि तुम इन क्वेश्चंस का वन लाइन आंसर नहीं दे सकते, यू नीड टू राइट एन एंटायर महाभारत ऑन व्हाई शुड वी हायर यू. आज तक मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. ये कैसा क्वेश्चन है ना, इट्स ऑब्वियस तुम्हारे कंपनी में वैकेंसीज है, तभी तो तुम हायर कर रहे हो ना. आई नो आई एम साउंडिंग रियली इमेच्योर राइट नाउ, बट आई थिंक अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी जाओगे लोग यही पूछेंगे. भाड़ में गया वो, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट योर 95.99% इन 12 बोर्ड्स. ओके बेसिकली इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एन इंटर्नशिप, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस लाइक चतुर रामलिंगम, क्योंकि ऐसे 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 चूतियों को ही सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं. अब सिस्टम ऐसा है तो अब क्या कर सकते हैं. तो मैंने कुछ जगहों पे अप्लाई किया जो मुझे सही लगा, एंड विद इन 2 days आई गॉट 3 emails saying that I have been shortlisted for an interview. Obviously, मैं काफी नर्वस था, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था. और जहां तक तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैंने इंटरव्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की होगी. एनीवे, वो 3 emails जहां पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, वन ऑफ देम वाज अ शॉपिंग मॉल, सेकंड वन वाज अ ट्रैवलिंग एजेंसी, एंड द थर्ड वन वाज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. आई वाज ऑफ टू द इंटरव्यू विद द शॉपिंग मॉल फर्स्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड हियर इज व्हाई. सबसे पहले तो आई गेस तुम लोगों में से कभी किसी ने शॉपिंग मॉल्स के वर्किंग रूम के अंदर नहीं गया होगा, राइट? मतलब ऑब्वियसली वहाँ एंट्री अलाउ नहीं होता. इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू सी आउटसाइड. पूरे शॉपिंग मॉल को इतने अच्छे से सजाया हुआ है, परफ्यूम मारा हुआ है, लेकिन उनका वर्किंग रूम इज लिटरली शिट. यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने वर्किंग रूम पे भी कर लो यार. एंड दिस गाय जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली द ओनर ऑफ द मॉल, ही हैड अ रियली डिस्गस्टिंग हैबिट. वो कुछ लोग होते हैं ना, बात करते करते थूक फेंकते हैं. पूरा भिगा दिया चूतिये ने. आई वॉज ऑलरेडी डिस्गस्टेड, एंड मोर ओवर दे वर आस्किंग फॉर अ शिफ्ट ऑफ लाइक 6 to 7 hours, एंड दैट टू विदाउट एनी पेमेंट. एक तो 6-7 घंटे जाके उनके उस टट्टी एनवायरमेंट में काम करो और ऊपर से कोई पैसा भी नहीं मिलेगा. मुझे यही चीज समझ नहीं आती अनपेड इंटर्नशिप्स की. हाँ ठीक है, मानते हैं कि एक इंटर्न उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो अपना टाइम तो दे रहा है ना. तो मुझे समझ में ही आ गया कि यार ये मेरे से नहीं होगा.
So I stepped back and cancelled this one, okay? And now I have two options left. The traveling agency and this digital marketing company. यार एक तो ये bus conductors को देख देख के traveling agencies का ऐसा image बन गया है दिमाग में. एक second के लिए तो मुझे लगा कि यार इतने खराब दिन आ गए मेरे, अब लोगों को जा जाके टिकट बेचने पड़ेंगे. But you can't judge a book by its cover, right? मैं जब उनके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया, मैं हक्का बक्का रह गया. Oh my god, their building was probably bigger than the shopping mall itself. मैं तो यार बड़ा खुश हो गया. I was really hoping कि मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊंगा, but unfortunately I didn't get selected over there. Actually उनको एक जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत थी. एंड यू ऑलरेडी नो कि मैंने साइंस से कॉमर्स चेंज किया था, इफ यू हैव सीन माय बोर्ड्स एग्जाम्स वाला वीडियो. और इंटरव्यू में वो मुझसे इतने डीप कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे. आई मीन ऑब्वियसली आई नो डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट एंड ऑल, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं. लेकिन अगर तुमसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे, What are the accounting events that are frequently involved in compound entries? And also give few examples of liability account holders. And can you also quote at least four differences between the carrying cost and the ordering cost? Mitochondria is the powerhouse of the cell. तो मुझे select नहीं करा उन लोगों ने. And now I was really worried because अब दो cancel हो चुके हैं and I have this digital marketing company as my only option now. और वो भी मैं sure नहीं था कि मुझे select करेंगे या नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ interview के लिए गया तो पूरा भीड़ लगी हुई थी. इतने लोग आए थे interview देने. पर इतने लोगों में भी मेरा ध्यान सबसे पहले गया वहाँ के receptionist पर. कंट्रोल कीर्ति, कंट्रोल. और जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, आई रियली थिंक ही वाज अ साइको काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज मैंने कभी किसी इंटरव्यूअर को ऐसे क्वेश्चंस पूछते हुए नहीं देखा. जब तक वो मेरे एकेडमिक से रिलेटेड था तब तक सही था, बट धीरे धीरे वो मेरे पर्सनल लाइफ को इंटरोगेट करने लगा. तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सिगरेट पीता है क्या? दारू वारू तो नहीं पीता ना? लाइक क्या, मैं यहाँ पे तेरी बेटी का रिश्ते के लिए हाथ मांगने नहीं आया हूँ. एंड डेफिनेटली माई आंसर इज नो, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, एंड नीदर डू आई हैव अ गर्लफ्रेंड. बट आई डोंट थिंक सो यू शुड आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू. ऑब्वियसली मैं ये उसके मुंह पे नहीं बोल पाया क्योंकि मेरी ऑलरेडी फट रही थी. इट वॉज अ ऑकवर्ड साइलेंस. वो मेरे एप्लीकेशन की तरफ देखे जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे भी कुछ बोलने नहीं दे रहा. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कोई सीरियल किलर बैठ के मेरा असैसिनेशन प्लॉट कर रहा है. पता नहीं यार, शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही आने में देख लिया है. हर चीज इतनी ड्रामेटिक दिखती है ना. देन ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेलेक्टेड. क्या रियली? तो चलो, किसी वजह से तो सेलेक्ट हुआ. और सबसे बड़ी बात कि ये अनपेड नहीं था, क्योंकि जहां से मैंने अप्लाई किया था वहां पे इन लोगों ने लिख रखा था 4000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव्स. आई नो ये इतना भी कोई खास अमाउंट नहीं है, लेकिन फूटी कौड़ी से तो अच्छा 4000 तो मिल रहा है ना. और ये इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने के लिए था, तो मैंने उतना कुछ सोचा भी नहीं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका काम इजी था. काफी टायरिंग होता है 4-5 घंटे बैठे रहना, ठीक है? बिकॉज आई गेव माई 100% इनटू दैट. इवन वो साइको जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था बड़ा खुश रहता था मेरे से. वाओ कीर्ति, नाइस वर्क, यू आर वेरी क्रिएटिव. ऐसे ही अच्छे से काम करते रहो, हम तुमको एक परमानेंट जॉब दे देंगे यहीं पे. एंड आई एम लाइक, पागल है क्या साला? जैसे ही 2 महीना होगा मैं सर्टिफिकेट लेके फरार लापता हो जाऊंगा. परमानेंट की बात करता है चूतिया. तो फाइनली 1 महीना खत्म हुआ एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट एवर पेमेंट. बट टू द मिजरी, दैट साइको डिसाइडेड नॉट टू गिव मी दैट 4000. ही जस्ट टोल्ड मी, हम यहाँ के इंटर्न्स को पैसे नहीं देते. हैशटैग गिव कीर्ति हिज 4K बैक. वेल, इट्स जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि कितने सारे ऐसे फ्रॉड कंपनीज स्टूडेंट्स को ऐसा झूठा लालच दिखा के उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं. हाँ, अगर तुम पहले अनपेड लिख देते हो तो कोई बात नहीं थी. आई एडमिट दैट आई वॉज रियली फ्यूरियस एट हिम. बात सिर्फ पैसे की या 4000 रुपए की नहीं है यार, बट द थिंग इज मुझे ऐसे फेक लोगों के साथ काम ही नहीं करना. भाड़ में गया यार सर्टिफिकेट, मैंने बस वहाँ जाना ही बंद कर दिया. I was really lucky कि मुझे immediately कुछ दिनों में ही दूसरा एक internship मिल गया, एक e-commerce website का. They were really good and finally at least एक जगह तो मैंने अच्छे से internship complete किया. उस psycho ने मेरा 1 महीना waste कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. Moral of the story, अगर तुम internship join करने वाले हो या future में कभी भी करोगे तो always ask for a contract.
जब तक पूरा राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट में सारे डिटेल्स ना मिले तब तक डोंट स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर। पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो ये सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। एंड जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं इन सब मामलों में प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे अपने ओपिनियंस इस इशू के बारे में। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कंसर्न्ड वंस एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस एज वेल। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।